डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ संविधान के बारे में और बताने वाला हूँ कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, संविधान के निर्माता कौन है। इनके बारे में बताता हूँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और अगर हम संविधान की कि संविधान हमारा कितने समय के अंदर बनकर तैयार हुआ छात्रों, तो ये भी बताना चाहूँगा आपको, जिसमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, 18 दिन लगे छात्रों। तो मैंने आपको बताया और बाकी मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बताता हूं, संविधान के बारे में आपको बताता हूं, एक बार देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं पॉलिटिकल साइंस का एक यूनिट, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा आपको, भारतीय संविधान के बारे में पूरी जानकारी दूंगा आपको, बताऊंगा इनके आर्टिकल्स के बारे में, बताऊंगा इनके पार्ट्स के बारे में और बताऊंगा कि हमारे संवैधानिक अधिकार हमें क्या मिले हुए हैं और कैसे कैसे इन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं हम। अलग अलग तरह से मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा आपको। स्टूडेंट्स देख लेते हैं बोर्ड पर, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान, संविधान हमारा जो है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा भारत का संविधान जिसकी हम बात कर रहे हैं इसके बारे में आर्टिकल्स बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके कितने आर्टिकल हैं, कितने शेड्यूल हैं, कितने पार्ट्स हैं और कितने अपेंडिक्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो एक बार मैं आपको बताता हूं, आइए देख लेते हैं एक बार बोर्ड पर। स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीजें हैं जो मैं आपको यहां से शुरुआत कर रहा हूं, एक बार बता देता हूं। हमारा भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था। भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जबकि स्टूडेंट्स 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान भारत में लागू हुआ। हम शेड्यूल की बात करते हैं, हम पार्ट्स की बात करते हैं, हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, अपेंडिक्स की बात करते हैं और हम बात करते हैं अमेंडमेंट की। स्टूडेंट्स सबसे पहले देख लेते हैं, पहले जब संविधान का निर्माण हुआ तो 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे और अब ये आर्टिकल्स बढ़कर 448 हो चुके हैं। अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो जब संविधान का निर्माण हुआ तो 22 पार्ट हुआ करते थे, अब ये पार्ट 25 हो चुके हैं स्टूडेंट्स। शेड्यूल की बात करते हैं तो ये पहले 8 हुआ करते थे और अब बढ़कर 12 हो चुके हैं। अपेंडिक्स की बात करें, प्रारंभ में ही जब स्टार्टिंग की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो अपेंडिक्स 5 हुआ करते थे और ये बढ़कर 0 हुआ करते थे और बढ़कर 5 हो गए हैं अभी। स्टूडेंट्स अमेंडमेंट, अब तक संविधान में 98 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, ये हमें अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है और हम इसके बारे में बात करेंगे आगे। और हर एक आर्टिकल को जो जैसे जैसे आर्टिकल्स हमारे लिए रिक्वायरमेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। बेसिकली संविधान हमें एक अधिकार देता है, भारत का संविधान हमें अधिकार देता है जीवन, जीवन को यापन करने के लिए, जीने के लिए, या अपने संवैधानिक अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति के क्या अधिकार हैं वो हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं। न्यायपालिका की बात करते हैं हम, कार्यपालिका की बात करते हैं और व्यवस्थापिका की बात करते हैं। तो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग स्थानों पर हम संविधान का प्रयोग करते हैं। संविधान को हम पार्ट्स के द्वारा समझेंगे और इसके आर्टिकल्स को समझेंगे, अपने मूल अधिकारों के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स, और संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स जिनको बोला जाता है उनके बारे में भी हम एक बार जानेंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता रहा हूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में बता रहा हूं आगे। आगे देखते हैं एक बार स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं पार्ट वन की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स। पार्ट वन में जो विवरण दिया हुआ है स्टूडेंट्स,
वो यूनियन टेरिटरी, जो हमारा यूनियन है एंड इट्स टेरिटरी, यानी जो राज्य और संघ के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम बात करते हैं संघ की, संघ अथवा राज्य, स्टूडेंट्स राज्य और संघ, स्टेट किसे कहते हैं, किसके बारे में, यहां पर हम आर्टिकल की भी बात करेंगे स्टूडेंट्स। आर्टिकल एक से लेकर चार तक, स्टूडेंट एक से लेकर चार तक अगर हम बात करें आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल एक से चार स्टेट और संघ के बारे में दिए हुई है सारी जानकारी, कि किसी राज्य का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसका नामकरण कैसे हो सकता है, उसकी सीमाएं क्या हैं, ये सारी चीजें एक से चार आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल एक से चार तक। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसी की, कि राज्य क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट, स्टेट किसे कहते हैं, राज्य क्या है, राज्य की एक निर्धारित सीमा होती है स्टूडेंट्स। ये जो मैंने सर्किल बनाया है ये इसकी सीमा है, एक लिमिट, तो राज्य की एक निर्धारित सीमा होगी, उस राज्य की सीमा में लोगों का होना, लोगों का होना, नदियों का होना, जंगलों का होना, पौधों का होना, इन सब चीजों के हिसाब से क्या राज्य एक स्टेट कहलाएगा, क्या ये सब चीजें अगर होती हैं तो क्या स्टेट कहलाएगा, तो स्टेट में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, या स्टेट कैसे बनता है, इन सब चीजों का निर्माण कैसे होता है, एक राज्य का निर्माण कैसे होता है, वो आर्टिकल चार में बताया गया है। एक से लेकर चार तक आर्टिकल अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता होगा कि किस राज्य की सीमाएं क्या हैं, इसके निर्धारित तत्व क्या हैं। और अगर कोई स्टेट्स बनती है तो उसका एक मुखिया होता है, उस स्टेट का एक राजा होता है, उस स्टेट का एक करने वाला व्यक्ति यानी उसका कर्ता धर्ता होता है, जिसे हम राजनीति की अगर बात करें तो राजनीतिक शास्त्र में उसे नेता के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स अगर मैं बात करता हूं आर्टिकल्स की, तो इससे आगे जो आर्टिकल दिए हुए हैं उनके बारे में बात करूंगा, और स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, तो हम बेसिकली इससे आगे के आर्टिकल्स भी अभी पढ़ते हैं। हम स्टेट्स की बात करते हैं, एक स्टेट्स किन लोगों से मिलकर बना होता है, उसमें लोगों की संख्या होती है, लोग यानी पीपल, और स्टेट्स की एक सीमा होती है, निर्धारित सीमा, इस सीमा के निर्धारण का कार्य किया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति इन रहने वाले लोगों के समक्ष और उनके लिए कार्यबद्ध होता है। वो कौन सा व्यक्ति होता है जो इनके हित में सोचता है, इसके हित में कार्य करता है, और सारी चीजें इनके अनुसार होती हैं, ये सभी चीजें इनके हित में कार्यरत होती हैं, ये सब व्यक्तियों का जो निर्माण करता होता है, जो व्यक्ति बनाया जाता है, वो होता है इनका राज्य का नेता, जिसे राजनेता कहा जाता है। स्टूडेंट्स अगर हम बहुत सारी बातों को देखें तो इससे एक स्टेट में लोग भी हो सकते हैं, नदियां भी हो सकती हैं, ठीक है, अगर हम बात करें जमीन की तो जमीन भी हो सकती है, और ऐसा स्थान जंगल भी हो सकते हैं उसमें, ये सारी चीज स्टेट के अंदर आती है, और जानवरों को भी उस स्टेट में रखा जाता है। स्टेट का निर्माण एक बड़ा शब्द है स्टेट, तो स्टेट्स में इन सभी चीजों को सम्मिलित किया जाता है। स्टूडेंट्स नागरिकों के बारे में अगर हम बात करें, तो नागरिकों के बारे में जो आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद हैं, वो 5 से लेकर 11 तक सम्मिलित होते हैं। अगर नागरिकों का कोई भी अधिकार हमें स्टडी करना है और नागरिकों के बारे में अगर हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स, तो 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल्स हमें पढ़ने होंगे अच्छे से। और अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो नागरिकों का अधिकार, जो उन्हें अधिकार मिले हुए हैं, या कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसे नागरिकता भारत की मिली हुई है, तो अगर वो अधिकार हमें पढ़ने हैं, वो जानकारी अगर हमें हासिल करनी, तो 11 से लेकर 5 तक के आर्टिकल, यानी 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल हमें पढ़ने होंगे। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, यानी मूल अधिकार, बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, दोस्तों 12 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक
12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। अगर हम बेसिक फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हमें बताने होंगे कौन कौन से हैं और कैसे। 6 बेसिक फंडामेंटल राइट होते हैं स्टूडेंट्स, और इन 6 फंडामेंटल राइट्स को एक बार हम पढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं स्टूडेंट्स। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स को अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उसमें जरूर मिलेंगे। स्टूडेंट्स एक बार बेसिक फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं। मूल अधिकार, मूल अधिकार में 14 आर्टिकल से लेकर 14 से लेकर 18 तक, यानी 14 to 18 समानता का अधिकार। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें समानता के अधिकार की, राइट टू इक्वलिटी, सभी लोग समान हैं। फिर हम बात करते हैं 19 से लेकर 22, 19 to 22 तक, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में सभी लोगों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और हम बात करते हैं 23 और 24, बच्चे तथा महिलाओं के शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट ऑफ मोलिस्टेशन चिल्ड्रन एंड वुमेन। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें 25 से लेकर 28, धर्म को चुनने की स्वतंत्रता हमें हमारा संविधान देता है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि 19 और 30 अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम होती है भारत में, जिन स्थानों पर जिन लोगों की संख्या कम है भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर, उनको राइट टू माइनॉरिटी की बात करते हैं तो वहां उनको अधिकार दिए गए हैं, शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार, एडिशनल बेनिफिट्स भी दिए गए हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को भारत में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। स्टूडेंट्स अगर मैं बात करता हूं आर्टिकल 32 की, तो संवैधानिक उपचार दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की, तो संवैधानिक उपचार दिए हुए हैं यहां पर, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर हम बात करते हैं कि अगर इन सभी आर्टिकल्स की जिनकी मैंने बात की मूल अधिकारों की, इनका अगर अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो संविधान के द्वारा आर्टिकल 32 में हम इनका पालन कराने के लिए या इनको फॉलो कराने के लिए हम संवैधानिक अधिकार हमें मिला हुआ है कि यहां पर जाकर हम रिट डाल सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं ताकि इनका पूरी तरह से अधिकारों का प्रयोग किया जा सके। स्टूडेंट्स आगे मैं आपको बताऊंगा कि 14 से लेकर 18 तक के जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं हमें, समानता के अधिकार की बात करेंगे तो एक एक आर्टिकल को मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेन करके कि किस आर्टिकल में किस विषय में बताया गया है। स्टूडेंट्स हम बेसिक कॉन्सेप्ट में 14 से 18 को एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि समानता के अधिकार को समझना जरूरी है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो हमें इनके अधिकारों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर हम आर्टिकल कल 14 की बात करते हैं, 14 की बात करते हैं, स्टूडेंट्स आर्टिकल 14 की बात करते हैं, तो आप आर्टिकल 14 में ये बताते हैं कि अगर कोई भी लॉ जैसे एसटी एक्ट, एसटी एसटी एक्ट, एससी और एसटी एक्ट को पारित किया गया उससे पहले हम सभी समान हैं। किसी भी वैधानिक में अगर कोई स्पेशल नियम या कोई भी लॉ पास किया गया है उससे पहले सभी लोग समान हैं। आर्टिकल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहां पर आर्टिकल 15। अगर हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो हम बात करते हैं धर्म की, जाति की, विशेष वर्गों की, जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं और हम जाति के आधार पर किसी भी प्रकार से या धर्म के आधार पर हमें विभाजित नहीं किया जा सकता, हम में असमानताएं नहीं लाई जा सकती। आर्टिकल 15 में ऐसा बताया गया है। आर्टिकल 16 की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो रोजगार के अवसर सभी लोगों के लिए समान होंगे, वहां भी एक वास्तविक समानता होगी, एम्प्लॉयमेंट की एक समानता होगी। स्टूडेंट्स सभी लोगों को रोजगार के जो अवसर हैं वो समान रूप से दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्टूडेंट्स, आर्टिकल 17, इसको देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल 17 में 17 में बताया जाता है, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी, जाति धर्म के आधार पर जो मनुवाद है वो बहुजन समाज से दूरियां बना लेता था। स्टूडेंट्स वो बहुजन समाज से घृणा करता था और उन्हें छुआछूत के नाम से, जैसे कहते हैं कि अगर हम इन्हें छू लेंगे तो हम दूषित हो जाएंगे, हम अपवित्र हो जाएंगे, अगर ऐसा कोई करता है तो। आर्टिकल 17 की बात कर रहा हूं मैं फिर से।
वो न्यायालय के द्वारा दंड का पात्र होगा, अर्थात उसे दंडित किया जाएगा या सजा दी जाएगी, पनिश किया जाएगा। आर्टिकल 18 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, 18 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। कोई भी व्यक्ति अपने नाम के पीछे या आगे महाराज धीराज, महाराज धीराज, राज बहादुर, महाराज केसरी, किसी भी सिंबल से या किसी भी स्पेशल नेम का, स्पेशल सिंबल का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उनको न्यायालय के द्वारा दंडित किया जाएगा। मैं यहां बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि मैंने बहुत सारी आपको चीजें ये बताई। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी या जो मेरा एक्सप्लेनेशन का एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और कमेंट बॉक्स में जाके आप कोई भी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी है आपकी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आने वाली नई वीडियो मैं उस क्वेरी से रिलेटेड या आने वाली कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो उससे रिलेटेड कोई भी नई वीडियो बनाऊं। स्टूडेंट्स मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे।